नमस्कार दोस्तों, संस्कृत वागीश्वरी कक्षा में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूँ प्रतिभा आर्या। दोस्तों, आज हम जिस विषय की चर्चा करने वाले हैं वो हमारे पाठ्यक्रम से संबंधित नहीं है, किंतु हमारे जीवन से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रावणी पर्व के विषय में। श्रावणी पर्व, क्या आप जानते हैं इस पर्व के बारे में? जी हाँ दोस्तों, आप इस पर्व को रक्षाबंधन के रूप में जानते हैं, या आप इसे श्रावण पूर्णिमा कहते हैं, या संस्कृत विषय के जो लोग हैं वे इसे संस्कृत दिवस के रूप में जानते हैं। किंतु रक्षाबंधन और संस्कृत दिवस, इससे पूर्व भी भारतवर्ष के इतिहास में इस पर्व को मनाया जाता रहा है, तब इसे हम श्रावणी पर्व कहते थे। क्या इस पर्व के विषय में आप जानते हैं? आइए दोस्तों, इस विषय में आज कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों, मानव का जो सामाजिक और वैयक्तिक जीवन है वो हमेशा से ही पर्वों से भरा रहा है। पर्वों का उसमें सदा स्थान रहा है। इस धरा पर जितनी भी मानव जातियाँ हुई, उन सभी जातियों ने किसी न किसी रूप में अपने जीवन को आनंदित करने के लिए पर्वों का आयोजन किया। ये जो पर्व शब्द है ना दोस्तों, ये पर्व शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है पूरक और दूसरा अर्थ है ग्रंथि। पूरक यानी कि भर देने वाला। जब मनुष्य जीवन को ये पर्व आनंद से पूरित कर देते हैं तो हम इसको पूर्ण अर्थ में लेते हैं, पूरक अर्थ में लेते हैं। और बात आती है ग्रंथि की, तो ग्रंथि का अर्थ होता है, ग्रंथि का जो काम है वो होता है ग्रहण करना, धारण करना। जिस प्रकार गन्ने के अंतर्गत जो ग्रंथियाँ होती हैं वो उस गन्ने को साध करके रखती हैं, उसमें दृढ़ता बनाए रखती हैं। चाहे बांस की दृढ़ता भी है वो उसकी गांठों में या उसकी ग्रंथियों में पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार ये जो श्रावणी पर्व है, ये जो पर्व परंपरा है, ये मनुष्य के जीवन और उसकी संस्कृति और सभ्यता को बांधे रखती है। जिस प्रकार एक गन्ना होता है उसमें पूरे गन्ने में रस पाया जाता है, किंतु उसकी अगर गांठें ना हो तो वो गन्ना ठीक से खड़ा नहीं हो पाएगा। ठीक उसी प्रकार मानव जीवन का जो उल्लास है, जो प्रफुल्लितपन है, उसमें वो बिना पर्वों के नहीं हो सकता। ये पर्व ही उसके जीवन में आनंद भरते हैं। अब यदि बात की जाए श्रावणी पर्व की, तो ये जो श्रावणी पर्व है ये आर्यवर्त के प्रसिद्ध पर्वों में से है, जिसे हम रक्षाबंधन या संस्कृत दिवस के रूप में मनाते हैं। उससे पूर्व हमारे आर्यवर्त का एक प्रमुख और महान पर्व रहा है। यह एक वैदिक पर्व है और इसका जो सीधा संबंध है वो वेद के अध्ययन अध्यापन से है और विद्यार्थी से है। जो ग्रहीय सूत्र हैं हमारे, उनके अंतर्गत ये जो पर्व है इसका सीधा संबंध वैदिकों से और वेद से दिखाया गया है। ये जो पर्व है ये एक गृहीय कर्म भी है, यानी कि गृहस्थों द्वारा किया जाने वाला कर्म। गृहीय सूत्रों में श्रावणी कर्म भी इसी अवसर पर, यानी कि श्रावण मास की पूर्णिमा पर किया जाता है। अब गृहीय सूत्रों का श्रावणी कर्म रक्षाबंधन से बिल्कुल पृथक है। इसका अर्थ आपको समझाती हूँ दोस्तों। जिस प्रकार वर्तमान में हम जुलाई माह से शिक्षण सत्र शुरू करते हैं, सेशंस शुरू करते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में उपाक्रम वेद अध्ययन कर्म, यानी कि उपाकर्म वेदाध्यन कर्म, यानी कि शिक्षण सत्र का आयोजन किया जाता था। श्रावण पूर्णिमा के दिन से नया सेशन शुरू किया जाता था शिक्षण का, और ये जो सेशन है ये 4 मास तक चलता था, यानी कि जितने भी वर्षा काल के 4 महीने हैं इन महीनों में चला करता था। लगातार वैदिक अध्ययन चलता रहता था और बाद में पोष माह में जाकर के इसका उत्सर्ग किया जाता था, जैसे कि हमारे यहाँ अर्धवार्षिक परीक्षा या वार्षिक हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, ठीक उसी प्रकार वेदाध्ययन का उत्सर्ग किया जाता था। तो एक अध्ययन अध्यापन की दृष्टि से ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी के आधार पर जो आर्य समाज के संस्थापक हैं महर्षि दयानंद सरस्वती, उन्होंने भी वेद सप्ताह का आयोजन इसी अवसर पर किया, यानी कि इस अवसर की समाप्ति पर वेद सप्ताह मनाया जाता था। साथ ही जो महर्षि दयानंद है उन्होंने वेदों का तो प्रचार किया ही, मानव जीवन के पटल पर उनके महत्व को भी प्रतिपादित किया और वर्तमान और आधुनिक समाज में संस्कृत और वेदों की परंपरा को बहुत ही महत्व दिलाने के लिए उन्होंने जीवन भर प्रयास किए। दोस्तों, दूसरी बात, ये जो श्रावणी पर्व है इसका एक और उत्तर हमारे सामने आता है कि श्रावणी पर्व इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि श्रवण नक्षत्र से युक्त पूर्णिमा को ये पर्व मनाया जाता है, इसलिए हम इसे श्रावण पूर्णिमा भी कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा कि जो श्रावणी कर्म है ये वेदाध्ययन का पर्व है, और श्रावणी मनाने का एक उत्तम तरीका ये है कि वेदादि जितने भी अच्छे शास्त्र हैं
इनका स्वाध्याय इस पर्व पर अवश्य चालू किया जाए और स्वाध्याय को इस जीवन का अंग बनाया जाए। जो हमारी मनुस्मृति है, हमारे जो ग्राह्य सूत्र हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार मनुष्य के लिए प्रत्येक 24 घंटे में एक दिन और रात में पानी पीना आवश्यक है, ठीक इसी प्रकार मनुष्य जीवन की समृद्धि और विकास के लिए, उसके नैतिक और वैयक्तिक विकास के लिए स्वाध्याय भी आवश्यक है। स्वाध्याय का संबंध किसी भी व्यवसाय से, किसी भी ब्रह्मचर्य से नहीं, उसका संबंध आजीवन है। यानी कि मनुष्य को अपने शरीर को विभिन्न प्रकार के अन्नों से जिस प्रकार पुष्ट करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य जीवन और मनुष्य के मस्तिष्क को समृद्ध बनाने के लिए जीवन भर स्वाध्याय करना आवश्यक है। तो ये जो श्रावणी कर्म है दोस्तों, ये स्वाध्याय का एक प्रतीक है। इसलिए आपके, मेरे और हम सभी विद्यार्थियों के लिए जो भी अध्ययन और अध्यापन से संबंधित हैं, उन सब के लिए इस श्रावणी पर्व का बहुत ही अधिक महत्व है। शतपथ ब्राह्मण में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि जो ब्राह्मण स्वाध्याय नहीं करता वो अब्राह्मण है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो स्वाध्याय इत्यादि करके अध्ययन अध्यापन करता है वो ब्राह्मण कहलाता था उस समय। इसके विषय में ऋग्वेद के अंतर्गत एक सुंदर वर्णन आता है कि जिस प्रकार वर्षा काल में एक मेंढक अपनी ध्वनि करता है और बाकी सारे मेंढक उस ध्वनि को दोहराते हैं, ठीक उसी प्रकार श्रावणी पर्व जो कि वर्षा काल में आता है, उसमें वेदाध्ययन का कार्य किया जाना चाहिए। जो वेदाध्ययन कर सकता है, वेद पाठ कर सकता है, वो करे और बाकी सब उसके पीछे पीछे दोहराएं। इस प्रकार पूरा जो वातावरण है वो पूरा पूरी तरह से वेदमय, वेद से ओतप्रोत हो जाए, ऋग्वेद और यजुर्वेद सभी वेदों की ऋचाओं से ओतप्रोत हो जाए, वेदमयी हो जाए। इस प्रकार दोस्तों, श्रावणी पर्व के विभिन्न प्रकार के महत्वों को देखते हुए भारत सरकार ने भी 1969 से शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इस दिन को संस्कृत दिवस के रूप में ही मनाने के लिए आदेश दिया। क्योंकि हम जानते हैं कि विभिन्न प्रकार के वेद अध्ययन स्वाध्याय के लिए प्राचीन काल में, क्योंकि संस्कृत भाषा ही जनमानस की भाषा हुआ करती थी, तो आज से जब से शिक्षण सत्र शुरू होगा तो ऐसे ही दिन संस्कृत दिवस को मनाया जाता है। तो आप सभी से ऐसा निवेदन है कि आइए हम सब लोग मिलकर के न केवल भारतवर्ष की अध्ययन अध्यापन परंपरा को, स्वाध्याय परंपरा को, बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता को निभाते हुए अपने जो भी लक्ष्य हमने साधे हैं, जिनके लिए हमने अध्ययन करना प्रारंभ किया है, उनके प्रति और दृढ़ और संकल्पित होकर के हम अध्ययन करें और अपने जीवन की सक्रियता बढ़ाएं।